नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। दोस्तों रुख करते हैं बिहार की तरफ और बिहार रिक्रूटमेंट 2019 में हम बात करेंगे कनीय अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर के पदों की, जो कि 3037 पदों की भर्ती यहां निकाली गई है और इसका ऑफिशियल नोटिस दिया गया है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है इसका, ये बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का वेबसाइट है जहां पे इसकी विज्ञप्ति जारी की गई है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हम बताएंगे कि कब से और कब तक इस फॉर्म को भरे जाएंगे और कौन कौन से डिपार्टमेंट के कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लेकर चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों इससे पहले मैंने जूनियर कलर के रिजल्ट के बारे में अपडेट दिया था और एक अपडेट दिया था 550 पदों की भर्ती के बारे में और साथ ही साथ एक अपडेट था वेस्ट बंगाल से। तो इन तीनों वीडियोज को जरूर देखिएगा क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आप तक अगर नहीं गया होगा तो इस वीडियो को देख लें ताकि आपके लिए ये फायदेमंद है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लेकर चलते हैं बिहार के उस ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कि यहां पे आपके सामने है। दोस्तों आप आ सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी आपको, btsc.bih.nic.in पे। ठीक है, ये बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा इसका एक और वेबसाइट है जो कि btsc है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन परीक्षा.nic.in का। अब इसे आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी कैंडिडेट है यहां से आके, या फिर यहां से इसका नोटिस जो जारी किया गया है उसे आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लेकर चलते हैं अब इसके जहां पे इसका नोटिस जारी किया गया है। तो ये सर्कुलर नोटिस जो है यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया है। इसको जैसे आप क्लिक करोगे ये आपका डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद ये ओपन होगा और ओपन होते ही ये एक विज्ञप्ति यहाँ निकली है जिसमें बताया गया है कि आपका 3037 पदों की भर्ती निकाली गई है। इस विज्ञप्ति के जरिए बताया गया है और 15 अप्रैल तक, जी हाँ 15 अप्रैल तक इस फॉर्म को आप भर सकेंगे। अंतिम तिथि है ये 15 अप्रैल। ठीक है, आप ये दोनों वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। और कब से अप्लाई करना है आपको, तो ये करना है आपको 11 मार्च से। ध्यान दीजिएगा, सभी वो छात्र जो कि इसके लिए एलिजिबल होंगे, अब वो कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकेंगे 11 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक। ये डेट मैं बता रहा हूँ बार बार, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसी बीच इसका फॉर्म भरा जाएगा और जब इसका ऑफिशियली लिंक ओपन होगा तो हम आपको इसका फॉर्म भर के भी बताएंगे कि कैसे कैसे भरना है इस फॉर्म को। ठीक है, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है इस विज्ञप्ति में कि कुल ये 3037 पदों की जो भर्ती है ये 15 अप्रैल तक भरी जाएगी और 11 मार्च से भरी जाएंगी। ये दोनों ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे लिखा हुआ है इनका और इसके ही ऊपर आके आपको इसका आवेदन करना है। आवेदन का डेट समाप्त होने के बाद आप इसका आवेदन नहीं कर सकते हैं और कोई भी इसका उपाय नहीं होगा। और इसका एक टोल फ्री नंबर दिया गया है जहाँ पर आप कॉल करके भी कंफर्म हो सकते हैं। तो ये एक ऑफिशियली वेबसाइट पे इसका ऑफिशियल नोटिस दिया गया है, ये एक शॉर्ट नोटिस है दोस्तों। तो इस शॉर्ट नोटिस को यहाँ जारी किया गया है और ये विज्ञप्ति जो है ये हिंदुस्तान खबर के पेज पे भी छपा है। तो इस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद उस न्यूज़ को भी आप देख सकते हैं। चलिए ये न्यूज़ देनी थी आप तक को सबसे पहले। तो जो भी छात्र हैं इसके लिए एलिजिबल, अब देखिए कौन कौन से छात्र एलिजिबल हैं इसके लिए, यहाँ पे आपको बता दें कि एक तो आपका मैकेनिकल इंजीनियर हो गए, ठीक है, मैकेनिकल सिविल, और एक है ट्रिपल ई यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये तीन जो ब्रांच है यहां पे साफ साफ लिखा गया है कि अभियंता सैनिक यांत्रिक विद्युत के लिए तीनों पदों के लिए यहां पे 3037 पदों की भर्ती निकाली गई है तीनों पोस्ट के लिए। अब इनमें बहुत सारे जो कैंडिडेट है वो पूछेंगे कि सर जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में वो कौन कौन से, आईटीआई वाले तो भर सकते हैं, तो देखिए आईटीआई वाले यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करेंगे सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर के कैंडिडेट, और डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा है वो कैंडिडेट, यानी कि ये ही तीन विभाग से कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों ये जानकारी जो थी ये मुझे आप तक पहुंचानी थी और इस जानकारी के लिए जो भी अभी यहाँ पे विज्ञप्ति दी गई है इस विज्ञप्ति को ध्यान से पढ़िएगा, उसके लिए क्या शुल्क और राशि होगा ये सारी चीज़ें विज्ञापन में दी जाएगी। अभी जब ये तो शॉर्ट नोटिस है इसका, जब इसका फुल नोटिस आएगा उसमें सारी चीज़ें डिटेल में दी रहेगी। और इस अपडेट को आप लोग रखिएगा संभाल के,
और साथ ही साथ जब इसका फॉर्म भरा जाएगा तो एक एप्लीकेशन फॉर्म हम भी आपको भर के बताएंगे कि कैसे कैसे इसको अप्लाई करना है। चलिए आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ यहाँ बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बिहार में अब नहीं रहेगा बेरोजगार।